Hey, what's up, guys? इस चैनल पे तुम लोग अगर काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज लड़कियों से बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने के लिए, अपना अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, स्टोरी टेलिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्ट कैसे करना है, उसके ऊपर से बहुत ही सारी चीजें मिल जाएंगी। पर्सिस्टेंस के ऊपर, कंसेंट के ऊपर, फियर ऑफ रिजेक्शन के ऊपर, अप्रोच कैसे करना होता है, अप्रोच एंग्जाइटी कैसे दूर करनी है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट कभी भी मैंने ना एक स्ट्रक्चर नहीं बताया है तुम्हें कि शुरू में जब तुम किसी से बात करना स्टार्ट करते हो किसी लड़की से और जब वो कॉन्वर्सेशन एंड करते हो तो क्या स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं। इस वीडियो में मैं वो बात करने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी द सेम थिंग जो हम अपने हाई पेइंग मेंटरशिप क्लाइंट्स को सिखाते हैं। ये कॉन्वर्सेशन स्ट्रक्चर हम उन्हें देते हैं एंड अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ टू गेट अ गर्ल्स नंबर इन 4 इजी स्टेप्स। लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज क्षितिज एंड तुम लोग देख रहे हो आयरन मैन लाइफस्टाइल। हियर वी टीच यू हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट, हाउ टू गेट मोर डेट्स एंड हाउ टू बी इन डीपर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 4 स्टेप्स टू गेट अ गर्ल्स नंबर। तुम्हारे कॉन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए जब तुम बात करना स्टार्ट करते हो से लेके एंड तक। लेट्स जस्ट गेट टू इट डायरेक्टली। स्टेप नंबर 1 होता है अप्रोच करना। अगर तुम अप्रोच नहीं कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हें कुछ साथ कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ही काफी ज्यादा लोग, 90% जो हमारी जनता है ना, वो यहीं पे मार खा जाती है। वो उनके दिमाग में अजीब अजीब से बिलीव्स होते हैं कि यार लड़की को अप्रोच करना है मुझे, वाई शुड आई बी द वन टू अप्रोच अ गर्ल, उसको अप्रोच करना चाहिए मुझे। या फिर उन्हें लगता है यार जब पैसे मिल जाएंगे तो अपने आप लड़कियां आ जाएंगी, या उन्हें लगता है कि लड़कियां बस एक टॉल लड़कों को मिलती हैं, या लड़कियां बस उन्हीं को पसंद करती हैं जिनके पास ज्यादा फॉलोअर हैं, ज्यादा वो चीजें हैं, जो बस अच्छे दिखते हैं, जिनकी बॉडी ज्यादा है, और उनको लड़कियां मिलना ही नहीं वाली हैं। ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के पहले ही वो अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर उसके आगे उनका कभी कोई बात बढ़ती ही नहीं है। यू नीड टू पुट दिस थिंग इन माइंड कि अगर तुम किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो तो यू आर एट द विल एंड हेल्म ऑफ अदर पीपल कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे चला रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट साइकोलॉजी और दैट मेंटालिटी। मुझे अपनी लाइफ जीनी है, तुम्हें भी अपनी लाइफ जीनी है, तो तुम्हें उसके लिए डायरेक्टली ही जाके चीजें ठीक करनी पड़ेगी। तुम ये भी नहीं सोच सकते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे लिए करेंगे या अपने आप कुछ चीजें मिलने वाली हैं, या तुम ये भी नहीं सोच सकते हो कि जब मेरे पैसे आ जाएंगे या जब मेरी बॉडी बन जाएगी बेटर या जब मैं अच्छा दिखने लगूंगा, फैशन ठीक हो जाएगा, तब लड़कियां अपने आप आएंगी। वो नहीं आती हैं। बॉडी बनने से बस तुम्हारी बॉडी ठीक होती है, पैसे कमाने से बस तुम्हारे पास पैसे आते हैं, वो ज्यादा चीजों में ट्रांसलेट नहीं करता है। सिमिलरली अगर तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती है, तुम्हें अप्रोच करना नहीं आता, तुम्हें पता नहीं कॉन्वर्सेशन कैसे होती है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होने वाला है। ये स्किल सेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ दी अदर थिंग्स। ऑफ कोर्स दूसरी चीजें, तुम्हारा फैशन, तुम्हारा ग्रूमिंग, तुम्हारा यू नो जॉब, तुम क्या करते हो, तुम्हारी बॉडी कैसी है, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा स्टेटस, फेम, ये इस पे हेल्प करता है। बट इन दी एंड यू नीड टू टेक एक्शन। तुम्हें जाके बात करनी ही पड़ेगी, तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा, तुम्हें बाहर जाके अपना, उसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन करना पड़ेगा। जितने लोगों से बात करोगे उतने ज्यादा लोग तुम्हारे पास आएंगे और उनमें से ऑफ कोर्स देयर विल बी परसेंटेज ऑफ पीपल जिनके साथ तुम्हारा चलेगा या नहीं चलेगा, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल अप्रोचिंग, यू हैव टू गेट ओवर दैट फियर ऑफ योर्स। सबसे पहले गेट ओवर द फियर ऑफ अप्रोचिंग। अपनी ग्रूमिंग वगैरह ठीक करो और अप्रोच करना स्टार्ट करो। फियर ऑफ रिजेक्शन के ऊपर जाओ। ऑफ कोर्स काफी सारी शुरू में इनिशियली तुम्हारे जो कॉन्वर्सेशन रहेंगे, इंटरेक्शन रहेंगे, वो वर्क नहीं करेंगे, but that's okay, you're here to only learn. So start approaching, number one. Once you start approaching, उसके बाद तुम्हारा जो step number 2 है वो is hooking the interaction, hooking the conversation. जब भी cold approach हो रही है, तुम बार में किसी से मिल रहे हो या club में किसी से मिल रहे हो, पहले step approaching होता है, second step hooking होता है. Hook का मतलब क्या होता है? तो एक hook का मतलब होता है कि तुमने किसी से बात करना start करा तो एक point आएगा उस conversation में जहाँ पे वो लड़की सोचेगी कि हाँ यार मैं यहाँ पे खड़े होके इससे बात कर लेती हूँ, मतलब वो कॉन्वर्सेशन हुक हो चुकी है। अगर ये पॉइंट नहीं आया है, यूजुअली कॉन्वर्सेशन कैसे लगेंगे, तुम बात करने जा रहे हो, लड़की बोलेगी नो थैंक यू, चली गई है, तो तुम्हारा अप्रोच पे ही वो कॉन्वर्सेशन एंड हो जाएगा। फिर कभी वो बात करेगी थोड़ी देर बट फिर भी चली जाएगी, तो मतलब वो हुक नहीं हुई है। तो हुक का पार्ट है कि जहां तुम शुरू में जा रहे हो तुम इतनी फन फकिंग चीजें कर रहे हो और वहां पे कॉन्वर्सेशन हुक हो गई है एंड वहां पे तुम फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। सो हुक पॉइंट रीच करना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव या एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहता है तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में। स्टेप नंबर 3, वंस तुम्हारा हुक हो रहा है, इज अट्रैक्शन बिल्ड करना। अट्रैक्शन और हुकिंग में डिफरेंस क्या है? शुरू में जब तुम जाके बात करते हो, तुमने अप्रोच करा और लड़की सोच रही है यार मैं इसको जानती नहीं हूं, बट तुम्हारा वर्बल गेम अच्छा है, तुम्हारी फ्लोटिंग अच्छी है, तुम्हारा बैंटर अच्छा, स्टोरी टेलिंग अच्छी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तुमने चैनल की पुरानी वीडियोस देख ली हैं, या तुम एक मेंटरशिप क्लाइंट हो और तुम्हें अलग लेवल चीजें पता है और तुमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, हम तुम्हें सिखा रहे हैं प्रॉपरली, तुमने अप्रोच करना स्टार्ट करा, पहला मिनट तुम्हारी कॉन्वर्सेशन चाहिए अगर तुमने हुक कर दिया। बट हुक के बाद कुछ क्या किया तुमने? क्योंकि हुक के टाइम पे ये है कि वो लड़की खड़ी है एंड शी इज लिसनिंग टू यू टॉक।
अभी कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट वो बस ऐसे है कि हाँ ठीक है मैं इस बंदे से बात कर सकती हूँ, ही हैज सम इंटरेस्टिंग थिंग टू से. सो इन अ सोशल मैनर, इन अ ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग लेवल, वो खड़े होकर तुम्हारी बातें सुन लेगी, बट डज नॉट मीन कि वो तुम्हें नंबर दे देगी, डज नॉट मीन कि वो तुम्हें डेट करना स्टार्ट करेगी या कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा. तो शी विल नॉट लुक एट यू इन अ मैनर दैट यू आर अ फ्यूचर पोटेंशियल पार्टनर दैट शी इज इंटरेस्टेड इन. उसके लिए हमें अट्रैक्शन बिल्ड करना आना चाहिए. अट्रैक्शन बिल्ड कैसे करते हैं? अट्रैक्शन बिल्ड करते हैं फ्लर्ट करने से. फ्लर्ट टू टीज रेशियो मेंटेन करते हैं, हम अपना मिस इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं, हम अपना यू नो रोल प्लेइंग यूज करते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन यूज करते हैं, और वहां पे बहुत सारा फन करते हैं. हम स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं, हम ह्यूमर का यूज करते हैं. इन सारी चीजों की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, वो तुम जाके देख सकते हो और वहां पे तुम अपना अट्रैक्शन बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो. अट्रैक्शन वाले फेज में तुम फ्लर्ट कर रहे हो, थोड़ा तुम भाव दे रहे हो, फिर थोड़े से भाव खा रहे हो, वो लड़की वहां पे हुक हो चुकी है और अब अट्रैक्शन तुम्हारा बढ़ रहा है बिकॉज यू आर गिविंग हर एन इमोशनल हाई. तुम उसके इमोशंस अप एंड डाउन और अप एंड डाउन थोड़े से जा रहे हैं एंड शी इज ऑन हर एज कि यार ये बंदा क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है. जैसे तुमने फ्लर्ट करा, तुमने बोला आई लव यू, ऑलराइट यू आर अमेजिंग, भाग चलते हैं. दो मिनट बाद तुमने बोला कि यार नहीं, ये तो तूने बहुत बुरी चीज कर दी है, ये तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं, आई एम गोइंग टू डिवोर्स यू, तुम वापस जाओ, हमारा भागने भूगने का प्लान कैंसिल. तो वहां पे जो तुम थोड़े भाव दे रहे हो बट तुम भाव खा भी रहे हो, तो तुम्हारा अट्रैक्शन ऊपर ही ऊपर जा रहा है. फिर तुम जोक्स क्रैक कर रहे हो, तुम फन कर रहे हो वहां पे एंड शी इज लाइक ओ माय गॉड दिस गाय इज फनी, दिस गाय इज अमेजिंग, आई लाइक टॉकिंग टू हिम. तो उससे अट्रैक्शन तुम्हारा बढ़ रहा है वहां पे. वन प्रॉब्लम दैट पीपल फेस आउट हियर इज कि वो ना इसी फेज में फंस जाते हैं कि यार अट्रैक्शन बढ़ाया जाना है, बढ़ाया जाना है, बढ़ाया जाना है, बढ़ाया जाना है, क्योंकि वो ना खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये लड़की ऑलरेडी उन्हें लाइक करना स्टार्ट कर चुकी है. तो उन्हें लगता है यार नहीं, अभी तो बस 70% अट्रैक्शन बढ़ा है. जैसे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मान लेते हैं कि 1 to 10 पे अगर तुम्हारा अट्रैक्शन बात करते हुए 7 तक चला गया है, तो वहां पे यू नॉट रिलैक्सिंग, यू लाइक यार इसके आगे हमें यू नो 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, बढ़ाया जाना, बढ़ाया जाना, बढ़ाया जाना, बढ़ाया जाना, वो करते रहते हैं. दैट्स बिकॉज एक तो इनसिक्योरिटी बाहर आ रही है तुम्हारी वहां पे कि ये लड़की चली जाएगी अगर मैं इसको और ही और अट्रैक्ट ना करूं और अट्रैक्शन वाली चीजें करता ना रहूं, ऑलमोस्ट एज अ डांसिंग मंकी. सो यू हैव टू रिलैक्स आल्सो उस पॉइंट पे. जब तुम्हारा अट्रैक्शन बिल्ड हो गया, काफी सारी चीजें फन हो गई हैं वहां पे, देन नेचुरली यू हैव टू मूव द कॉन्वर्सेशन टू अ क्लोज. या तो तुम वहां से बाउंस कर रहे हो कहीं पे एक इंस्टा डेट पे जहां पे तुम बैठ के बात कर सकते हो, तुम कंफर्टेबल उसको कर रहे हो, या फिर वहां से तुम एक नंबर ले रहे हो. लेट्स से वो लड़की जल्दी में है और उसको कहीं पे जाना है, बट यू वांट टू मीट हर अगेन, तो तुम्हें नंबर या इंस्टाग्राम या कुछ तो लेना पड़ेगा ताकि तुम उसको दोबारा से डेट के लिए पूछ सको. दैट्स गोना बी फकिंग इंपॉर्टेंट. एंड समराइजिंग दिस इज हाउ इट्स गोना लुक. तुमने अप्रोच करा पहले, दिस अप्रोच कुड बी अ सोशल अप्रोच और अ कोल्ड अप्रोच, क्लब में, बार में, या तुम्हारे कॉलेज में, या कहीं पे भी तुमने अप्रोच करा. इधर तुमने डायरेक्ट अप्रोच करा, हाई आई थिंक यू क्यूट, या फिर तुमने अप्रोच करा इन एन इनडायरेक्ट मैनर. यार हाय एक्सक्यूज मी, आई सॉ दैट व्हाट यू वेयरिंग इट्स फकिंग अमेजिंग, कहां से लिया तुमने, या तुमने एकदम इंडायरेक्ट मैनर में अप्रोच करा, इज लाइक ओपिनियन ओपनर में कि हाय व्हाट यू लाइक मोर, रणवीर सिंह पसंद है या तुम्हें रणबीर कपूर पसंद है, वैसे अप्रोच करा. फिर वहां पे थोड़ा सा हुक हो गया, वहां पे वो आंसर कर रही है, फिर तुमने थोड़ी बात करी वगैरह वगैरह करके, एंड देन यू लाइक हाय माय नेम इज क्षितिज, उस लड़की ने अपना नाम बताया, नाउ इज सॉर्ट ऑफ अ हुक पॉइंट इज डन. उसके आगे अब अट्रैक्शन वाली बात आ जाएगी जहां तुम थोड़ा सा छेड़ने लगोगे, लाइक व्हाट यू डू, शी लाइक आई एम एन अकाउंटेंट, लाइक अकाउंटेंट यार बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है तुम्हारी, तो टेल मी मोर अबाउट इट, राइट. तो थोड़ा सा तुम टीज कर रहे हो, फिर तुम बोल रहे हो कि आर यूजुअली अकाउंटेंट्स, ऑल ऑफ दीज अकाउंटेंट्स आस्क यू टू यू आर, फिर तुम थोड़ा सा फ्लर्ट डाल रहे हो और ऐसे करते करते तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह, ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रहे हो, तुम बकचोदी कर रहे हो, तुम अपनी स्टोरीज बता रहे हो, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन, एंड नाउ शी इज लाइक हुक हो गई, अट्रैक्शन भी बढ़े जा रहे, शी लुकिंग एट यू लाइक दैट, बट वो जल्दी में है, या फिर तुम इंस्टा डेट के लिए ट्राई कर सकते हो. वहां पे तुम एकदम से ही कहीं पे जा रहे हो और इधर लाइक यू गो टू द बार अगर तुम क्लब में हो, या तुम स्मोकिंग एरिया में जाते हो क्लब में हो, अगर तुम दिन में कहीं पे हो तो तुम स्टारबक्स चले जाते हो, या तुम कुछ खाने चले जाते हो, या फिर तुम वहां से एक वॉक पे जा रहे हो, या फिर पानी लेने चले गए हो, तो वो एक इंस्टा डेट हो जाता है वहीं पे. अगर इतना टाइम नहीं है एंड शी इज इन अ हरी, यू आर इन अ हरी और यू वांट टू लीव द इंटरेक्शन एट हाई नोट, तुम क्या करते हो, तुम एक कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने का एक टाइम ब्रिज बोलते हैं उसको. टाइम ब्रिज मतलब आज का टाइम है, अगला टाइम है, तो मिलने का प्लान बनाएंगे, तो वो टाइम ब्रिज होना चाहिए वहां पे. उसके लिए तुम उसका नंबर या इंस्टाग्राम या कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हो ताकि तुम फॉलो अप करके दोबारा डेट पे आके उस लड़की से मिल सको. एंड दैट इज गोइंग टू बी द 4-part कॉन्वर्सेशन स्ट्रक्चर फॉर यू टू गेट अ गर्ल्स नंबर. इफ यू लाइक इट गाइस, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे हम ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, प्लस हम लाइव कॉल्स करते हैं, वी आर टॉकिंग टू यू लाइव ऑन जूम, मी एंड 3 more ऑफ माय कोचेस, प्लस हमारे पास एक अकाउंटेबिलिटी कोच है, और हर हफ्ते हमारे 4 लाइव सेशंस होते हैं ऑन जूम वेयर वी टेक केयर ऑफ योर ऑनलाइन डेटिंग, योर टेस्ट गेम, तुम्हारा प्रोफाइल और बायो वगैरह कैसे, तुम्हारा Q&A सेशंस होते हैं, तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और वर्बल गेम सेशंस, एंड देन फाइनली रोल प्ले सेशंस जहां पे हम रोल प्ले करते हैं, आई बिकम द गर्ल और सम अदर कोच बिकम्स द गर्ल एंड यू बिकम द गाय, और फिर तुम वहां पे कन्वर्स करते हो डायरेक्टली कि तुम्हारे इंटरेक्शन कैसे जाएगा, और वहां पे वी ब्रेक इट डाउन कि यहां यहां पे प्रॉब्लम्स और ये तुम्हें इंप्रूव करना है, देन यू कैन गो आउट देयर एंड अप्लाई इट, एंड वी गिव यू फीडबैक एवरी डे कि कैसा चल रहा है. सो वंस यू आर इन द मेंटरशिप विद अस, वी आर गोना टेक शिट टन्स ऑफ फकिंग केयर ऑफ यू, जस्ट दैट इट्स अ प्रीमियम प्रोग्राम. इफ यू आर आउट देयर टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, डेफिनेटली कम ऑन द मेंटरशिप प्रोग्राम. जो चीजें तुम कंटेंट देख के या नॉर्मली अपने से ट्राई करके 2 या 3 साल में सीखोगे, हम वो 90 days में तुम्हें सिखा सकते हैं, और तुम्हारे रिजल्ट भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे. सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यू वांट टू लर्न दीस थिंग्स और एक नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें जाना है, बुक अ कॉल विद अस, नीचे मैं एक लिंक डाल रहा हूं,
उस पे क्लिक करो, फॉर्म भरो, अपना टाइम स्लॉट चूज करो एंड विल गेट ऑन अ कॉल विद यू एंड देन इफ इट मेक्स सेंस विल इनवाइट यू टू जॉइन द मेंटरशिप। आई होप यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। इफ यू डिड गाइस मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, स्पैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट। दिस इज शितिज साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू ऑन द कॉल्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। पीस।